रहीम, आप सब लोगों का इधर एक शार्ट नोटिस पे आने का बहुत शुक्रिया। आज हमारा वन पॉइंट एजेंडा है, पूरा मुल्क और हमारे वर्कर सपोर्टर एक जलसे के इंतज़ार में, उनके लिए चार्ज बैठा हुआ था अपनी फुल तैयारी के लिए। आज खान साहब के हिदायत के मुताबिक एक सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में मुनक़द होने जा रहा था। इस जलसे के लिए हमने दरख्वास्त दी हुई थी, चार रिट पिटीशनें फाइल हो चुकी थी। चार महीने के बाद एक NOC इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन से मिली थी। वो NOC डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कोर्ट में सबमिट करके हमारे हवाले किया था। वो NOC किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर से, चाहे वो कमिश्नर हैं चाहे वो चीफ कमिश्नर हैं, उनके ऑर्डर से वो NOC कैंसिल नहीं हो सकता। हमने हमेशा से कानून का सहारा लिया है। जब जब हम रैली होल्ड करते हैं, पहले अनाउंस करते हैं, फोरमन रहते हैं और हर मर्तबा एक NOC के साथ जलसा करते हैं। हमारे NOC को कैंसिल करके कल ही उस साइड को टेक ओवर कर लिया गया था जो इलीगल और गैर आइनी था। हमने फिर भी कानून का सहारा लेते हुए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। अदालत के सामने हम वो नुकात उनके गोशगुजार कराने चले गए और ये आज हमने कोशिश की कि आज ही हमारी केस की हियरिंग हो और जो NOC हमारा कैंसिल हो चुका था वो कैंसलेशन का ऑर्डर सस्पेंड हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैटरडे की वजह से आज चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं थे, प्यूनी जज साहब भी अवेलेबल नहीं थे और बाबर सतार साहब हिजानर भी अवेलेबल नहीं थे। आज उसकी हियरिंग नहीं हो सकी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह उस एप्लीकेशन की हियरिंग मंडे को होगी। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही NOC लेके जलसा करेंगे। हमारे वर्कर बड़े इसके लिए फुरुमीद थे। हमने उसके बाद अपने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की। उस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में हमने अपने सारे पार्लियामेंटेरियन जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं इनको भी मदऊ किया था। और इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था, खान साहब की आज़ादी के लिए और रिहाई के लिए है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त 70% पाकिस्तान को। खान साहब के बग़ैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हमने पॉलिटिकल कमेटी में फैसला किया हुआ है। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और इस अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे और इंशाल्लाह ताला ये जलसा हो के रहेगा और सबसे बड़ा जलसा इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद के तारीख का होगा। मैं एक बात आज एक वजाहत के साथ कह दूं, हमने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस दफ्तर में किए हैं, इस सेंट्रल ऑफिस में किए हैं, इसको हमेशा से मॉडरेट किया है। हमारे एक ऑफिसर डेडिकेटेड वर्कर रिजवान अहमद साहब ने और उसकी फैमिली की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कल उसको अगवा किया गया, उठाया गया, डिसअपियर करवाया गया और उसके भाई नोमान को भी आज तक पता नहीं है कि उसको कहाँ रखा गया है। वो उसकी फैमिली दरख्वास्त दे रही है लेकिन उसकी फैमिली की अभी तक कोई दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं हुई है। ये मामला भी हम अदालत के सामने लेके आएंगे और हम इसकी जो अगवा है
इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम पहले से जो मशवानी साहब के भाइयों को उठाया है, आमिर मुगल साहब को जो उठाया है, जो गए हुए थे इस्लामाबाद की, उनकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है, इंशाल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। उमर साहब बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मीडिया के आपका दिल के तक गहराइयों से, अपना साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कोर्ट के सामने भी साथी मौजूद थे, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहां पे इमीडिएटली आए। ज़रूरी था क्योंकि हमने आपके ज़रिए अपने कारकुनान को, अपने साथियों को, अपने सिरों के ताजों को, उनको मैसेज पहुँचाना है। सबसे पहली चीज़ कि ये जलसा जो आज शाम 6 बजे तरनौल फाटक के करीब, तरनौल के मुकाम पे, उस जगह पे जहाँ पे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे मुनक्कद करने के लिए, वहाँ पे सारी तैयारियाँ रात तक हो रही थी। वहाँ से जिस वक्त मैं निकला तो पता लगा कि पुलिस आई है, DIG और बाकी लोग आए और उन्होंने वहाँ पे जगह सील कर दी। और DC इस्लामाबाद ने, जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने अपने इजाज़तनामा या NOC दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया। सबसे पहली बात, आप मीडिया साथियों के हवाले से उन साहिबान से मैं पूछना चाहता हूँ, उस डिप्टी कमिश्नर से, कि जनाब आपने सत्तू पिया हुआ था, आपने कोई चर्स पी हुई थी, आपने क्या पिया हुआ था? आप होशोवास में नहीं थे जिस वक्त आप ऑर्डर साइन कर रहे थे? या फिर मैं चीफ कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ कि जनाब आपने कोई सत्तू पिया हुआ था, कोई आपने लस्सी पी थी, कोई आपने चर्स पी थी कि आपको अचानक अपने डिप्टी कमिश्नर का NOC जो है वो आपने कैंसिल करना पड़ा? आपको क्या मालूम नहीं था कैलेंडर में कि अशूरा आ रहा है, और ख़ुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मीम मेक निकाल रहे थे? मैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़ आईन पाकिस्तान की पार्टीज़ के वर्कर्स और साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके डर से जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मैं डेफिनेशन करता हूं और मैं आपको स्टेट की भी डेफिनेशन करता हूं, स्टेट होती क्या चीज़ है और इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। इस्टेब्लिशमेंट में हम लोग सारे लोग बड़े दबे हुए अल्फाज में कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। भाई नाम लो, इस्टेब्लिशमेंट में कौन आता है? मुझे मालूम है कि आपके चैनल जो लाइव चला रहे होंगे, जब मैं ये बात करूँगा तो वो टी 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 उसको बंद करेंगे या उसको वो बीप करेंगे, सेंसर होगी बात। मैं डिफाइन करता हूँ, 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, नाम लेता हूँ, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI, MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, 5 है। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हम लोग पूछेंगे आपसे कि वीगो डालों का बजट कितना है और हमारे स्कूलों का बजट कितना है। वीगो डाले किस लिए इस्तेमाल होते हैं? वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं रिजवान अहमद को उठाने के लिए, वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं इमरान रियाज खान को उठाने के लिए, वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं अजहर मशवानी के 2 प्रोफेसर भाई जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनको उठाने के लिए, वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को उठाने के लिए। नहीं मानते ये निज़ाम हम लोग, हम सब के सब जो यहाँ पे हैं हम एक हैं। हमारा मकसद क्या है? आईन और कानून की बालादस्ती, ये हमारा मिशन है और ये हम लोग अचीव करेंगे, लॉफुल तरीके से करेंगे। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे ये हम लोग चलते हैं कि ये मैं सब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने आपको डिफाइन कर दिया। स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन आईन के Article 7 के तहत, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपका रियासत क्या होती है? रियासत होती है मजलिस शूरा, नेशनल असेंबली, और आपकी सेनेट, उसके साथ आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी और आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली, और वो इदारे जो टैक्स आयद करते हैं, ये स्टेट बैठी है, ये MNAs हमारे जो बैठे हैं ये स्टेट है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, आपकी FC हो गई, आपकी अफवाज पाकिस्तान हो गई, जिसमें पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स, रेंजर्स वगैरह वगैरह जो भी आप ले लें, वो स्टेट के औजार हैं, वो हमें रिपोर्ट करते हैं। ये हमने निज़ाम को दुरुस्त करना है, इसके लिए हम लोग उठे हैं, ना कि जिस तरह के फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है शाहबाज शरीफ,
उसने तो अपना अपना सारा कुछ उसने दे दिया, पट्टे पे दे दिए, लीज पे दे दिया, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जलसा जो होना था ये किस लिए होना था? ये वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए, अपने हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, महंगाई के लिए, बिजली के रेट देख लें, 7000 मेगावाट की शॉर्टेज है, एबिलिटी है जनरेट करने की, नहीं कर रहे हैं, फिर भी सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। बिजली 2 सालों से मैं कह रहा था तहरीक इंसाफ के वक्त में 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट से बढ़ गई है, 100 रुपए यूनिट तक जाएगी। आपका शाह खुर्दनोश, आपका गंदम का स्कैंडल, आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो है इन्वॉल्व है उसमें, 450 अरब रुपए की पक्की लगाई है। कच्चा का डाकू जो है उसको पकड़ के पुलिस इनकाउंटर में गोली मारते हैं, पक्का का डाकू उसको 2 झंडे ला के उसको आप कुर्सियों पर बिठाते हैं, रिजेक्ट करते हैं इस निज़ाम को। इसीलिए हमारा वर्कर, हमारा साथी जो है वो गुस्से में है, और उस चीज़ की हम लोग कदर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए जाएं, और इसीलिए जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने भी बात की, हम लोग ये जलसा इंशाल्लाह ताला अशूरा के फौरन बाद लीगल प्रोसेस के ज़रिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाज़त दी थी, जिस पे इस इंतज़ामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि आपकी अदालत की तोहिन है, अदालत उन्होंने कमिट की है। हम लोग अदालत में गए हैं, हमारी इंशाल्लाह डायरी नंबर मिल गया है, हमें उस पर नंबर जो होता है वो मिल गया है, और हम लोग इंशाल्लाह सोमवार के दिन भी अदालत के सामने होंगे। और हम लोग ये जलसा अनकरीब इंशाल्लाह, सिर्फ ये जलसा भी नहीं, हम लोगों ने और भी जलसे करने हैं, और लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में, पूरा सिलसिला हमने करना है। और हमें एक आइन और कानून के अंदर हमारी ये जस्तजू जाती रहेगी, हमें मजबूर ना करें कि हम लोग एक मैस एजिटेशन, वो भी आएगा टाइम, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, मैंने खुद, हमारे साथी मौजूद थे, 2-3 बार मैंने पूछा, उन्होंने कहा वो डिसीजन मेरा, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है, जिस वक्त वो अनाउंस करें मैस एजिटेशन की कॉल दें, वो हम में से किसी के पास वो सवाबदीद नहीं है। मैं ये चीज़ें बात कर, ये आपके सामने रखना चाह रहा था, और आखिर में मैं ये बात करूँगा कि आपने, हम लोग सल्यूट पेश करते हैं अपने वर्कर्स को, जिस तरह का रिस्पांस कल मानसेरा में था, जिस तरह का रिस्पांस अभी मेरी बात जनूबी पंजाब में हो रही थी, और अब्बास बप्पी साहब से वो लोग आ रहे थे, उनको हमने कॉल भी नहीं की, लोग चौक दर चौक आ रहे थे, AJK के वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे, न्याजी साहब मौजूद हैं, खालिद खुर्शीद साहब गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सेंट्रल पंजाब, हमारे वेस्ट पंजाब के साथ ही मौजूद है, सब के सब मोबिलाइज लोग आ रहे थे, और इन्होंने हमारे कबायली इलाका जात के, यहाँ पे अफरीदी साहब मौजूद हैं, रस्ते बंद करने उन्होंने शुरू कर दिए, हम लोगों को सारे इंशाल्लाह ताला, हम लोग मोबिलाइज पॉलिटिकल फोर्स हैं, हम लोग ये जलसे करेंगे। और मैं ये भी कहता चलूँ कि इस वक्त जो अडयाला जेल में, मैं आखिरी बात करके बात ख़त्म करूँगा, सर कैसर साहब बात करेंगे, परसों मेरे साथी मौजूद थे वहाँ पे, 5 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा, और मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा, और वहाँ पे जो तायुनात हैं, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, वो 2 अफसर हैं, एक कर्नल है और एक मेजर है, उसके नाम मेरे जहन से निकले हुए हैं, उनको हम लोग समन करेंगे प्रिविलेज कमेटी में। उन्होंने हमारा वो अडयाला जेल को या कंट्रोल कर रहे हैं, जो असद वड़ाइच है वहाँ का जेल सुपरिटेंडेंट, उसका डेप्यूटी, उन सारे लोगों को हम लोग प्रिविलेज कमेटी में बुलाएंगे। क्या उनकी मजाल के एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, MNAs, उनका रास्ता उन्होंने रोका? नहीं चलेगा ये निज़ाम इस तरह का, इंशाल्लाह ताला निज़ाम भी ठीक करेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती होगी इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया, ओवर टू असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर गौर साहब और उमर रहीम साहब ने डिटेल में बात की है। सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मुल्क में, ये मुल्क आइन के तहत चलना है, कानून के तहत चलना है, एक मिनट जी, या ये मुल्क जो है ना बनाना रिपब्लिक है, जंगल का कानून है? ये मुल्क अगर किसी के पास इख्तियार है तो आइन ने उसको इख्तियार दिया हुआ है, आइन ने उसको रिस्पांसिबिलिटी दी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आइन से मारवा, ये जो आर्डर दे रहे हैं,
और जो आर्डर दे रहे हैं वो किस कानून के तहत दे रहे हैं, और जो आर्डर ओबे कर रहे हैं वो किस कानून के तहत उस आर्डर को ओबे कर रहे हैं। इस मुल्क को उन्होंने बनाना रिपब्लिक तो बनाया, अभी इसको अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी मुल्क में इस तरह माहौल देखो, हम तो इस वक्त जो पेशेंस दिखा रहे हैं वो अपने लीडर इमरान खान की वजह से, कि उन्होंने कैटेगरिकली कहा है, जो कैटेगरिकली हमें कहा है कि आपने एनओसी के अलावा जलसा नहीं करना। हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे तो लोग केपीके के तकरीबन मोबिलाइज हो चुके हैं, वो तो हम लेके आते तो ये तो कोई उसको रोकने वाले ना होता। हम सिर्फ अपनी लीडर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप जब जलसा करेंगे तो एनओसी, ताकि वो कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो। लोग निकल चुके हैं, लोग रास्ते में हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडर, देखो हम यकीन रखते हैं कानून और आइन पे, हम यकीन रखते हैं कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। ये अगर कोई ये कहता है कि ये मुल्क किस तरह चलेगा, नहीं चलेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए वो लिमिट्स आप क्रॉस कर रहे हैं। हमने अभी पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस किया है और मुत्तफिका फैसला है और हम अपनी लीडर बारी चेयरमैन से भी मशवरा लेंगे कि अगर इस दफा इन्होंने एनओसी भी न दी तो फिर हम परवाह नहीं करेंगे। अगर ये कानून को नहीं मानते, अगर ये आईन को नहीं मानते, और ये बंदूक के जोर पे और अपनी हरदर्मी के जोर पर जो है ना सब मुल्क चलाते हैं, नहीं चलाएंगे। मैं ये कहता हूँ देखो, हम इस मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क कानून और आईन के मुताबिक चले, तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर में काम करें, अदलिया आज़ाद हो, फौज जो है ना अपने पैरामीटर में काम करे, और पार्लियामेंट के अपना जो जुरिसडिक्शन है उसमें काम करे, ये तब चलेगा। नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि देखो उन्होंने आईएमएफ का बजट पास किया, ये बजट किसी तौर पर इस आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। ये जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जो इन्होंने बिजली की कीमतें में जितना इजाफा किया है इसको हम किसी सूरत में नहीं मानते, और जो इन्होंने मजीद जो एक मुख्तलिफ जो सैलरी क्लास पे जो टैक्स लगाया है नाकाबिल कबूल है। हम सिर्फ अपने आवाम से एक बिल्कुल आपके सामने रखते हैं, अपने वर्कर भी कहते हैं कि भाई हम डटे हुए हैं, आप जहन में रखे न डरे हैं न पीछे हटे हैं, हम लड़ेंगे कानून और आइन के बीच। हमारे लीडर हमें बताता है कि हमने कानून और आइन को सामने रखते हुए अपने जदोजहद करनी है। मुझे सिर्फ बताया कि एक जो जेल में गए, जो हमारा पोजीशन लीडर है, जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो सेनेट में पोजीशन लीडर है, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको आप मुलाकात ना करने दें। भाई किस कानून के तहत? आपके तो जेल के अपने मैनुअल भी है, उसमें भी एक प्रोसीजर्स है। मैं सिर्फ आज हमारे दीगर साथी भी कोई बात करना चाहते हैं, हमारे MNS भी हैं, मैं बिल्कुल ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, भाई डरने मरने की बात नहीं है। हम किसी तौर पर किसी से डरे नहीं हैं, हम अपना आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। मैं सिर्फ पीपल पार्टी को कहना चाहता हूँ कि ये पीपल पार्टी जो है ना डबल स्टैंडर्ड ख़त्म करे। एक तरफ तो आप जो है ना कहते हैं कि बजट पे एतराज़ भी करते हैं, अपने आप को अच्छा भी बनाते हैं, फिर बजट को वोट भी देते हैं। आप जो है ना एक तरफ कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हो, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इस पर कोई वो बात नहीं करती। यानी जो हमारा जो हमारे सोशल मीडिया के वर्कर हैं, रिजवान जो हमारा मीडिया को डील करता है, ये जो हमारे अजर मशवानी है, ये जो गिल साहब का भाई है, या जो भी है, ये किस कानून के तहत? ये सारे गैर कानूनी है, इसको नहीं मानती, इसके खिलाफ हर प्लेटफार्म पे आवाज उठाएगी। मैं सीनियर क़ियादत ने गुफ्तगू कर ली है, आज पूरा पाकिस्तान तैयार था और अब भी तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी मोबिलाइजेशन हो चुकी है, लोग अटक की तरफ रवा दवा हैं। साउथ पंजाब का हमारा सदर ओन अब्बास बप्पी रोड पर बैठा है और वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 8 फरवरी का दिन है, पूरा साउथ पंजाब निकल आया है। अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे साथ इस वक्त हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हकीकी वज़ीर आज़म जिनको इमरान खान ने बनाया था न्याजी साहब, क्यूम न्याजी साहब मौजूद हैं। कश्मीर तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला जो कि हकीकी वज़ीर आला है खालिद खुर्शीद खान, उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान भी तैयार है। तो आप पेशावर की, मर्दान की, सवाबी की, मानसेरे हजारे की क्या बात करते हैं? साउथ पंजाब से लोग आ रहे हैं, कश्मीर से लोग आ रहे हैं, ट्राइबल बेल्ट से लोग आ रहे हैं। इकबाल अफरीदी खड़े हैं, ट्राइबल बेल्ट के नुमाइंदे हमारे सपूत हैं, हमारे तमाम लीडरशिप पीछे मौजूद है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कोई बहाना नहीं देना चाहते। आज ये बात साबित हो गई, आज हमने कानून को माना, हमने 9 मई को भी माना था। आज ये साबित हो गया कि 9 मई को कानून की धज्जियां बकेरने वाले कौन थे। मैं ये भी बात रखना चाहता हूं सामने, जितना जिना हाउस हमारे लिए काबिल एहतराम है उतना ही किसी अदना वर्कर का घर, उसकी माँ बहन भी उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी कायदे आज़म की तस्वीर काबिल एहतराम है। किस तरह पंजाब में चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया और जिस शख्स के नीचे जिल्ले शाह जैसे मासूम बच्चे शहीद हुए, जिसके नीचे हमारी हम सबकी माँ रिहाना डार के सर से दुपट्टा छीना गया, उसको आपने यहां वजीर दाखिला बनाया। मैं अपनी लीगल टीम से, शुएब भाई बैठे हुए, मैं दरख्वास्त करूंगा उस दिन मैं, उमर यूब भाई, असद कैसर साहब, मस्ती खेल साहब, हम सब उनके साथ होंगे। मैं इस्तदा करूंगा कि जब आप कंटेंप्ट प्रोसीडिंग करें तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब, हम फिर भी लफ्ज़ साहब यूज कर रहे हैं, हमें बताया गया है एहतराम, लेकिन उसमें आप इंटीरियर मिनिस्टर को भी पार्टी बनाइए क्योंकि उसके नीचे सारा कुछ हो रहा है। आज जलसा होना था, उस जलसे से पहले कल मानसेरा ने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। वो जलसा सिर्फ मानसेरा का था, उमर यूब साहब, सवाती साहब आपको मुबारक हो, कल हजारे ने दिखा दिया अपना असल चेहरा, सिर्फ एक झलक दिखाई है। मानसेरा ने जो झलक दिखाई उसकी चमक और उसकी घन गरज आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उनके हैंडलर्स के दफातर में सुनी गई है, जिसकी वजह से ये जलसा हमें मजबूरन आर्जी तौर पे कुछ दिनों के लिए मुअख्खर करना पड़ा है। हम कानून और आईन को मानने वाले लोग हैं। आज जलसागाह में मैंने इमरान खान का वो पैगाम सुनाना था जिसलिए मैंने ये गुफ्तगू करने की जसारत की अपने सीनियर्स की इजाज़त से, कि इमरान खान साहब से मैंने 3 दिन पहले पूछा, कल मैंने पूछा था कि खान साहब हज़ारा आपका हज़ारा है, उमर यूब साहब हज़ारा खान पे फिदा है, आपने हज़ारा को क्या मैसेज देना है। तो हज़ारा का मैसेज कल हमने मानसेरा को दिया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने ये कहा कि गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी की मौत बेहतर है। और ये भी कल इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानियों को कह दो अली मोहम्मद और हमारे और जो दोस्त थे जो खड़े थे वहाँ वो कलाबी थे, कि आप पाकिस्तानियों को कह दो कि हम वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकेंगे। और आज के जलसे के हवाले से स्पेशल मैसेज था इमरान खान का। मैंने पूछा खान साहब पाकिस्तानियों को जलसागाह में इस्लामाबाद में मैं क्या कहूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। खान साहब ने एक लफ्ज अदा किया, खान साहब ने कहा पाकिस्तानियों को कह दो आज़ादी। आज का जलसा आज़ादी के नाम पर था, हकीकी आज़ादी। और खान साहब ने यह भी कहा था कि सबको कहो कि मेरी मूवमेंट रूल ऑफ लॉ की है, ताकतवर को कानून को के नीचे लाने की। और कल हम सब के लिए बहुत एक अफसरदगी का दिन था जब कौम के सबसे बड़े लीडर ने यह कहा कि अगर आईन के मुताबिक मेरी जमात से ये जो ज्यादतियां ये लोग कर रहे हैं आईन के मुताबिक ये मैं डील नहीं करते, हमारे असीरान की रिहाई नहीं होती, ये जुल्म बंद नहीं होता, हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता, आईन की हुक्मरानी के लिए फिर मैं भूख हड़ताल पर जाऊंगा। और यह भी कहा कि जब मैं भूख हड़ताल पर जाऊंगा अपने वकला और सियासी क्यादत से मशवरे के बाद, तो फिर पाकिस्तान के हर गली गली, करिया करिया, दुकान दुकान, शहर शहर, खेत और खलियान, फिर पुरमन एहतजाज होगा, भूख हड़ताल होगी, प्रोटेस्ट होगा, उस तक मुल्क को लेके ना जाएं, मुल्क को आईन के मुताबिक लेके चलें, पाकिस्तान को आईन के मुताबिक चलाएं। एहतजाज करना, जलसा करना जमहूरियत का हुसन है। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा, अभी तो खान नहीं निकला, अभी तो खान के सिर्फ कारकुन निकले हैं, जलसा गा तो अभी भरा नहीं था, आपके औसान खता हो गए। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि डर गए जे, भाग गए जे, नस गए जे,
एक जलसे से आपके औसान खता हैं, जब उम्मत मुस्लिमा का लीडर निकलेगा फिर आप किस तरफ भागेंगे? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, सबसे पहले बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि गिरफ्तारी के लिए आप तैयार हैं। सबसे पहली बात सारे साथी सुन ले, जिस वक्त हम लोग मार्च पे आते हैं, चाहे वो 25 मई हो या फिर आपका ये था 18 मार्च था यहाँ पे, अभी अभी मोहम्मद खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हम लोग जब निकलते हैं, यकीन जाने हमारे सिरों पे कफन बांधा होता है। जिस वक्त टीयर गैस शेलिंग डायरेक्टली आ रही होती है और गोले वहाँ पे सीधा मार रहे होते हैं, रबर बुलेट्स, जिस वक्त डंडे बरस रहे होते हैं वो कोई प्यार मोहब्बत के नहीं होते हैं, उनके पास ऑर्डर्स होते हैं कि इंसान को ख़त्म कर दो। वो हम लोग सहते हैं, हमने सहे हैं, किसके लिए? जमहूरियत के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए, और करते रहेंगे। जान है तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पार्लियामेंट का पूछा, पार्लियामेंट में मेरे ये पार्लियामेंटेरियन साथी मौजूद हैं, न्यू टाइमर फर्स्ट कमर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनकी परफॉर्मेंस मैं अपने साथियों को सल्यूट पेश करता हूँ। जो इस पार्लियामेंट में हमारे यंग MNAs और हमारी टीम, हमारे हमारी जो एक्सपीरियंस्ड MNAs की जो परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट को बैकफुट पे रखा, गवर्नमेंट को हिलने नहीं दिया, गवर्नमेंट का बजट फेल प्रूफ किया और गवर्नमेंट के अपने अराकीन ने अपने बजट को उन्होंने डिफेंड ही नहीं कर पाए। उनके बड़े बड़े लोग थे वो बजट पे, उन्होंने कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि ये एक इक्तसादी दहशतगर्दी का बजट था, ये एक ड्रोन अटैक था पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ, और ये हमने प्रूव किया वहाँ पे। और हम लोग इंशाल्लाह ताला मौसर अंदाज से पार्लियामेंट के अंदर भी काम कर रहे हैं और बाहर भी। भूख हड़ताल का जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया, भूख हड़ताल तो छोटी चीज़ है मेरे भाई, जान भी हाजिर है। देखिए, जहाँ तक ABC का ताल्लुक है तो नहीं तो अभी फॉर्मल इनविटेशन हमारे पास आया, नई गवर्नमेंट ने उसकी फॉर्मल कोई डेट सेट की है, लेकिन ये अभी नहीं है। इसको असम्बली के फोरम पे भी हमने अनाउंस कर दिया था, जिस वक्त सऊदी डेलीगेशन आई थी उस वक्त भी हमने खान साहब के बिहाफ से यही अनाउंस किया था कि खान साहब की डायरेक्शन यही है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी फ्रेंडली मुल्क का लीडर, डिग्निटरीज वो पाकिस्तान आ जाते और हमें दावत दी जाती उनके फंक्शन में जाने की तो हम जाएंगे। हमें जिस वक्त दावत दी गई थी तो हमने CPAC में भी चाइना वाले में तो हम चले गए और हमने ज्वाइन किया था। और फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, बेशक हमारी रिजर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, हम इनकी अथॉरिटी नहीं मानते, हम उस हुकूमत को नहीं मानते, हम समझते हैं ये बिल्कुल यूज़र पर बैठे हुए हैं, Form 47 की हुकूमत है, लेकिन अगर हमें दावत आई है तो यही खान साहब की हिदायत है और इंशाल्लाह ताला APC में शिरकत करेंगे। APC का एजेंडा देखेंगे कि एजेंडा APC का क्या है, उसके मुताबिक फिर बात करेंगे। यहाँ पे शिराली साहब, मैं एक चीज़ दुरुस्त कर, बार बार आप कहते हैं जी कि रियासत हम लोग हैं, चौकीदार आके आपके घर पर कब्जा कर लेके जी मैं मालिक मकान हूँ, नहीं भाई जान, रियासत यहाँ पर बैठी है, रियासत आपकी यहाँ पे जेन्युइन Form 45 ये सब, ये रियासत है, बाकी सारा हेर फेर है जी। एक सेकेंड।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पर बात करूंगा और लीगल टर्म बात पे फिर बैरिस्टर गौर साहब या कैसर साहब बात करेंगे। देखें, सबसे पहली चीज़, हमारे कारकुनान के डर से ये लोगों ने ये कदम उठाया कि पहले उन्होंने कहा कि ये हम लोग दूर जगह पे तरनौल पे इनको देंगे जगह, वो जगह खुद इन्होंने मार्क की। मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वहाँ पर ही जाना है, आसपेरी इधर और कहीं वहीं पर हमने अपना डेरा लगाया वहाँ पर। कल मैं फिर पूछ रहा हूँ ना, इन्होंने जो डिप्टी या तो कमिश्नर वो अपने होशोवास में नहीं था, ये आपका चीफ कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर होशोवास में नहीं था। भंग पिए, चर्स पिए, क्या पिए इन्होंने, चेक होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। नंबर एक, उनका ब्लड टेस्ट कराएं, मेडिकल चेकअप कराएं। दूसरी अहम चीज़ जनाबे वाला ये है कि हमारे कारकुनान जिस तरह मोबलाइज्ड हैं, ऑटोमेटिक पे ऑटो पे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके डर से। मैंने इसलिए अपनी बातों में कहा हम लोग सल्यूट पेश करते हैं अपने कारकुनान को, उनके डर से ये लोग जो हैं ये होश खो बैठे हैं और इन्होंने एनओसी ख़त्म कर दिया। और किया क्या ने? इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, एक डिप्टी कमिश्नर को और एसएसपी को पहले भी कैद हुई थी, सजा हुई थी, ये खुद फिर वो काम करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद, आपको याद होगा उन्होंने डायरेक्शन एक ज़माने में दी थी कि आप जलसा करेंगे F9 पार्क में या जो परेड ग्राउंड, अगला जलसा हम इस्लामाबाद के अंदर इंशाल्लाह करेंगे अदालत के हुक्म से। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि जो अभी अंधेर नगरी हो रही है ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हो रही, और मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। और हम लोग आग का दरिया अबूर करके वहाँ पे आए हैं और माफ़ी ये लोग मांगेंगे।